बिहार के मोतिहारी में प्राइवेट स्कूल के टीचरों ने एक अनोखा अंदाज दिखाया। हाथ में हथकड़ी पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और मांग किया कि इस तरीके से कोरोना संक्रमण के दौरान लगातार लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूलों को खोलने की रजामंदी नहीं दी गई। प्राइवेट स्कूलों को खोलने का निर्देश नहीं दिया गया तो भूखमरी की हालात बढ़ेगी और शिक्षा का माहौल भी गहराएगा। इस दौरान प्रदर्शनकारी से ए टू जेड न्यूज लाइव के लिए हमारे वरीय संवाददाता अशोक कुमार वर्मा ने बातचीत की। कर रही है, क्या कर रही है अभी? हम लोग सरकार की उदासीनता से बड़ा दुखित है कि सरकार सभी चीजें के लिए तो ध्यान दे रही है लेकिन एक प्राइवेट स्कूल के लिए उनका कोई ध्यान नहीं है। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार हम लोगों की मांग को पूरी करे। हम लोग बच्चे से भी पैसा नहीं मांग करेंगे और हम लोग जो शिक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं इसमें सरकार की सहयोग की पूर्ण आवश्यकता है। बरसात के कारण से मोतिहारी में शहर से लेकर गांव तक पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में विकास की कलई खुल गई है, घपला हुआ है या त्रुटि हुई है निर्माण में, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं, समुद्र का नजारा सरेआम हो गया है। अभियंताओं ने नाला निर्माण की जो शॉर्टकट सिस्टम निकाला था उसकी पोल खुल गई, वह बिल्कुल ही असफल दिख रहा है। मोहल्ले के संकीर्ण गलियों में सड़क के बीचों बीच नाला निर्माण कर उस पर जो स्लैब डाल दिया गया है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगा है। इस दौर में त्रुटिपूर्ण सामग्री उसमें लगाई गई या गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया, किस अनुपात में काम हुई, यह पहली बरसात ही इस बात को खोल के रख दिया है, इसकी कलई को खोल दिया है। कमजोर निर्माण की बात सामने आने लगी है, लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है और असुविधा भी बढ़ रही है, लिहाजा अधिकारियों से कार्रवाई की मांग भी बढ़ने लगी है।